नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली मंडल में खराब हुई नरमे की फसल की मुआवजे की मांग को लेकर साथ ही बठिंडा से जामनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत की भी भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर आज डबवाली के विधायक अमित सिहा के नेतृत्व में डबवाली लघु सचिवालय में सांकेतिक धरने प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। सीधी तस्वीरें आपको हम डबवाली के SDM कार्यालय के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर किसानों की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा और खराब हुई नरमे की फसल के बीमा क्लेम में मुआवजे की मांग को लेकर यहां पर डबवाली से विधायक अमित सिहा के नेतृत्व में सभी किसान आज लाभबंद हुए हैं, जहां पर किसान हाथों में खराब हुई नरमे की फसल के पौधे लेकर यहां पर पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा इस बार जो सफ़ेद मक्खी, उखेड़े और ब्लास्ट रोग से नरमे की फसल बर्बाद हुई है, लेकिन रहती कसर पिछले 2 दिन पहले हुई बारिश से किसान की जो उम्मीद बची थी वो भी टूट गई है, क्योंकि बारिश की वजह से जलभराव होने से नरमे की फसल है वो भी अब खराब हो गई है। दरअसल हमने पहले भी आपको तेज हरियाणा की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग में दिखाया था कि किस तरीके से डबवाली उपमंडल के तमाम गांवों में करीब 70% से ज़्यादा जो नरमे की फसल है वो इस बार सफ़ेद मक्खी, उखेड़ा और छाप जैसे रोगों की भेंट चढ़ी है। लेकिन बड़ी बात है किसानों की एक बड़ी यूनिटी और डबवाली से विधायक अमित सिहा के नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहां पर डबवाली में खराब हुई नरमे की फसल के बीमा क्लेम मुआवजे की मांग को लेकर आज जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। और दूसरी बात है, जो बठिंडा से जामनगर का राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसके उचित मुआवजे की मांग को लेकर भी डबवाली से विधायक अमित सिहा के तरफ से आज एक दिन का सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन तमाम किसानों के बीच में किया जा रहा है, जहां पर डबवाली उपमंडल के तमाम जो किसान हैं वो खराब हुई नरमे की फसल को लेकर आज लघु सचिवालय में पहुंचे हैं, जहां पर जो ज्ञापन है वो SDM के मार्फत हरियाणा सरकार को सौंपा जाएगा। निश्चित तौर पर किसानों की इस बार सबसे बड़ी एक चिंता का विषय नरमे की फसल, क्योंकि सबसे बड़ी उम्मीद इस बार किसानों को ये थी कि शायद इस बार बम्पर पैदावार होगी, मगर बेमौसम की बारिश, उखेड़ा, वाइट फ्लाइट, मक्खी की जो चपेट में फसल आने के बाद पूर्ण तरीके से चौप। मेन मुख्य मांग तो जो इस टाइम पे नरमा हमारा ख़राब हो चुका है, फसल नरमे की, ग्वार की, बाजरे की, ये सभी फसल है ना, एक बार ये 3 दिन में 4 दिन में तबाह हो चुकी है, बर्बाद ही हो चुका है। मान के चलो ये आपने देखा है नरमे का, यही हालात खेतों में है, जो हालात जो प्लांट यहाँ लेके आए ना किसान, इससे भी बुरी हालात, देखने पे आंखों में आंसू आते हैं कि एकदम ऐसा क्या हुआ है नरमे की फसल को। दूसरी बड़ी डिमांड है जो बाईपास निकल रहा है, ये बाईपास बहुत ही कीमती ज़मीनों से निकल रहा है, इसकी ज़मीन की जो कीमत है कम से कम 2 करोड़ रुपये पर एकड़ की सरकार को देनी चाहिए। नंबर 2 उसके रास्ते खाले की तो मैं अपील करता हूँ सभी किसानों को, DRO से बात हुई है और मेरे पास वापस लेटर भी उन्हें दिया, अभी आप सिंचाई विभाग से बात करो, रोड वालों का कोई इसमें रोल नहीं है, मगर जिसका खाला जहाँ चलता है वो अपने खाले में एक बट्ठल, एक टंक मिट्टी भी नहीं है घेरने दे किसान, उस किसान का राइट है, वो नहीं घेरेंगे जब तक उसके पुली नहीं बन जाती, जो पुली बनानी जरूरी है हर खाले पे, हर नहर पे, ये उसका रास्ता जो है रास्ता देना है, वो सड़क के दोनों तरफ रास्ता दे और जहाँ पे कट देना है या पिंड है वहाँ पे पुल, जो मेन मांगे हैं। और जो भी किसान इसकी ज़मीन इसमें आती है तो वो किसान आगे ज़मीन खरीदनी चाहता तो उसको रजिस्ट्री फीस नहीं लगनी चाहिए थी। इसके सर्वे का देखो, एक सर्वे तो चोरी हो गया, चोरी, यूनिवर्सिटी से टीम आई है, हमारे खेतों का सर्वे हो गया और किसी किसान को नहीं पता, कोई किसान बता दे भी मेरे खेत में टीम आई थी
और उसका सर्वे कर गई है। जो सर्वे हुआ है बिल्कुल वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से दफ्तरों में एसी में बैठ के हुआ, वो सर्वे हमें नहीं चाहिए। टीम खेतों में जाए, खेत का नुकसान देखे और जिस खेत का नुकसान हुआ है उसको राइट मिलना चाहिए। 40 माल नरमे वाले को बीमा मिल जाता है, जिसका नुकसान हुआ उसको नहीं मिलता। ये किस्मत पूरी ना खोले, बीमा कंपनियां बीमा दे, डबल नहीं ट्रिपल बीमा लिया कंपनियों ने, और बहुत किसान बीमा नहीं करा पाए इस कारण कि उनका बीमे की जो प्रीमियम बहुत ज़्यादा था, उनको प्रीमियम और भरने का टाइम दे या तो या उनका बीमा जीता, जितना बीमा मिलेगा उतना मुआवजा दे सरकार उनको। ये बीमे के लिए स्पेशल डिमांड है। और बंजर जमीन को कितनी फसल को आपके हम मांग करते हैं, कम से कम जो नरमा खराब हो उसका 50,000 रुपया प्रति एकड़ हर किसान को दिया जाए। इससे किसान की लागत ही पूरी होती है, इसमें मुनाफे का धंधा नहीं है, ये लागत ही है इतनी किसान की। और किसान अब इसको बाद आगे फसल भी नहीं बो सकता कोई, क्योंकि समय ऐसा आ गया है, पक्की हुई फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को मुआवजा दिया जाए और जल्दी दिया जाए, ताकि आने वाली फसल भी। हम तो ये भी मांग उठाते हैं कि किसानों के जो कर्जे लिमिट है उनमें से भी इन किसानों जिनका नरमा खराब हुआ है उनको राहत दी जाए, राहत दी जाए। उनका जो है ना उनमें से बनता जितना खर्चा है उस पर भी राहत दी जाए, जितनी भी लिमिट बनी हुई है, क्योंकि किसान ने तो सरकार से कर्जा बैंकों से लेकर कर्जा लेकर ही एक सारी फसल बोता है और उसको पैदा करता है। भाई ऐसे लौटते हैगा भी जेडी किसान है ना, जे 4 स्प्रेयां करता है तो उतना सर जाता है, पर यह जो बीमारी आई है सानू 8-8 स्प्रेयां करनिया पैगियां। किसान ने कर्जा चक्किया पर फसल साढ़े रास नहीं आई, खत्म हो गई। तो सानू सरकार तो यही मंग है भी सानू मतलब की है जिहड़ा साढ़ा खर्चा है 50,000 रुपया साढ़ा खर्चा होया एकड़ ते, वह साढ़ा मुआवजा दिता जाए। दूसरा करोना दे जिस तरीके नाल जिहड़े व्यापारी लोग है इन्हां दा 3-3 महीनों का जिहड़ा मतलब की है किस्त सीगी वह तो माफ़ करती, तो जिमीदार दे उस ब्याज के उत्ते भी ब्याज लाता जिहड़ा कि असीं हुण सुप्रीम कोर्ट ने आख्या भी तुसीं ब्याज नहीं ले सकते। यह सानू किसान नू बड़ा दुख है सरकार तो, ते यह साढ़े उत्ते तक्के ना करन, क्योंकि बर्दाश्त तो बाहर हो ही जाता है। सो साड़ी अपील है जोरदार सारे भरावां दी, सारे किसानां दी, भी सानू 50,000 रुपया एकड़ के हिसाब न मुआवजा दिता जाए। धन्यवाद। हमारी मुख्य मांग यही है जी भी जिन किसानों का हमारे चुटाला गांव के अंदर 50 से लेकर 60% जो नरमे कॉटन की फसल है वो नष्ट हो गई है, बरसात से कर लो, नकली बीज कर लो, नकली कीटनाशक कर लो, तो किसान अब की बार बीजेपी सरकार की नीति के चलते इन्होंने जो बीमा राशि थी उसको 500 से बढ़ाकर 1,800 रुपये कर दिया, तो किसान के पास इतना पैसा है नहीं, वो बीमा तो करवा नहीं सके। तो हमारी सभी की ये मांग है भी इनको स्पेशल गिरदावरी करा के सभी को ये मुआवजा दिया जाए। पन्नू जी अपने दो मांगे थे मुख्य रूप से, किसान यहाँ पूरी तरीके से तराही तराही कर रहे हैं और मैं आज की तारीख में ये कहता हूँ कि सरकार बिल्कुल सुध नहीं ले रही, तो हमें विवश होकर यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। हालांकि इससे पहले मैं डीसी साहब के पास ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन भी दिया था और हमें जिस तरह के संकेत मिल रहे थे, जैसे अभी एक रिपोर्ट आई पेपर के अंदर कि हमने मुआयना कर दिया यहाँ 30% है या 20% है, तो हम इस चीज़ से हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि स्पेशल गिरदावरी हो। आपने भी खुद कवर किया है, बाकी चैनल्स ने भी किया है कि जो जिस तरीके से नरमा खराब हुआ है इस क्षेत्र में, खास करके जो रोड़ी बेल्ट का जो क्षेत्र है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित, तो वहाँ एक ये ना हो कि गांव के स्तर पे हो कि चार कोनों में गए और हमने कहा कि हमने गिरदावरी कर दी जिस तरीके से एजेंसीज कर रही हैं। हमें एक स्पेशल गिरदावरी चाहिए जिसके अंदर हर एक एकड़ में जो प्रभावित है, जो किसान कहता है उसका मायना किया जाए और वास्तविक रूप में जो उसकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाए। तो नंबर वन तो उसको लेकर आए हैं, उसके साथ मैंने 2-3 मांगे और रखी थी कि जो बीमा का जो सिस्टम है इसमें बहुत बड़ा झोल है, हर कोई इस पर मुद्दा भी बनाता रहा है, आज 500 रुपये से बढ़ा के 1,650 रुपये हो गया। और मैंने ये मांग रखी है कि कम से कम एक किसान आयोग का गठन किया जाना चाहिए सरकार द्वारा, जिसके अंदर जो डीसी साहब हों चाहे उसको उनको चेयरमैन बना दिया जाए,
और किसान यूनियन के भी कुछ लोग डाले जाएं, और उसके बाद जब भी कोई ऐसी समस्या है जो बीमा करवाया जाता है प्राइवेट कंपनी हो जाए, उनको ऑप्शन मिलना चाहिए कि उस किसान आयोग के खाते के अंदर हम पैसा डाल सकें। जब उसमें कभी भी कोई समस्या आए तो हमारे पंचायत के स्तर के ऊपर भी एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सरपंच और दूसरे सभी पार्टी के नुमाइंदे हो, फिर वो अपने हिसाब से मुआयना करवा के डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ फिर वो रिपोर्ट भेजे और वहाँ से उनको बेनिफिट मिले। तो ये एक चीज़ कहता हूँ। एक तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो सीड्स और स्प्रे हैं उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, एक और नया करप्शन इसके अंदर भी निकल कर आएगा। उनकी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से चार चार बार स्प्रे करने के बाद भी किसान अपने नरमे को नहीं बचा हुआ है। और चौथी बात, पहले कोविड का हवाला दिया, वो कहते सभी लोग जानते किस कैसी माली हालत से थी, उसके बावजूद अब ये नरमे की फसल बर्बाद हो गई। तो किसान को जो अगले 5 या 6 महीने के लिए जो उसका लोन लिया हुआ है उसने अलग अलग बैंकों से संस्थाओं से, उसको उसकी किस्तों को भी स्थगित करने का काम सरकार को करना। तो चार मांगे ये थी। एक हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो उनसे मांग है कि भाई जो सरकार से बेसिकली स्टेट सरकार से मांग है कि जो 9 गांव की ज़मीन अधिकरण की जा रही है बठिंडा से जामनगर रोड के लिए, उसके लिए जो मुआवजा दिया जा रहा है, अभी एसडीएम साहब ने भी इस बात को मौखिक रूप से बात रखी कि भी मेरे हिसाब से भी कम है। तो मैं मानता हूँ इस चीज़ का जो 30 से 40 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है ये बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर आपकी जानकारी होगी, जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय 200 एकड़ ज़मीन को अधिकृत किया गया था ये हुड्डा के लिए, और वहाँ पे जो मुआवजा था 75 लाख से लेके कम से कम सवा करोड़ तक मुआवजा दिया गया, और इस सरकार में 30 से 40 लाख वो बंजर भूमि थी, यहाँ पे सही मायनों में किसानों की फर्टाइल ज़मीन है, उसके अंदर आप इस तरीके की एक नाइंसाफ़ी करें। तो दोनों मांगों को लेकर हम आज की तारीख में यहाँ पर सारे किसान अपने आप एकत्रित हुए। सबसे बड़ी बात यह है, खुद में जज्बा था और खुद यहाँ पर पहुँचे, इतनी तकलीफ है इन किसानों को, ये बात सही है। सर, कॉटन बेल्ट में सबसे बड़ा नुकसान, और सर्वे की रिपोर्ट ये कह रही है कि किसानों ने मिक्सिंग ज़्यादा की है, स्प्रे का कीटनाशक का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, बट हकीकत यह है कि वाइट फ्लाई का भी प्रकोप है, शांत और पूरे तरीके से ब्लास्ट हुआ है। आपको लगता है कि जमीनी हकीकत पर जाकर सर्वे होना चाहिए, जिस तरीके से रैंडम सैंपलिंग को कह रहे हैं कि चार कोणों से सिर्फ? देखिए, सही मायने में जो सरकार हमेशा अपने बॉल्स जो अपने पाले से बॉल दूसरे के पाले में डालने का हमेशा प्रयास करती है, ये नहीं कहती कि हमने कोई गलती की हो सकती है। उनका सिर्फ एक और एक मंशा जो आज की तारीख में दिखाई देते हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बैंक हैं, उनको बचाए रखना। तो वही हमेशा ये भी किसान पर डाल रहे हैं कि किसान की फसल ख़राब होती दिख रही, बेचारे हैं चार बार स्प्रे अपना खर्चा किया है, वो कहते भी किसान ने चार बार क्यों स्प्रे किया, वो स्प्रे की गुणवत्ता को देखने की बात सोचनी चाहिए कि भाई एक बार स्प्रे से वो कामयाब क्यों नहीं हुआ, आज की तारीख में बीमारी क्या हुई। अभी तक सरकार ने ये नहीं बता पाई, प्रशासन ये नहीं बता पाई ये बीमारी किस कारण पैदा हुई है, क्या सीड जो दिया गया था क्या पता उसी के अंदर पहले से संक्रमित था वो, क्या ये सॉयल टेस्टिंग की बात करते रहते हैं, बोलते तो हैं मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी सॉयल कार्ड बनाए जाएंगे, वो सॉयल कार्ड बोलते कुछ और है, आज की तारीख में क्या 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 स्थिति है उस सॉयल की वो किसी को पता नहीं, किसान बेचारा दर दर भटक रहा है। तो ये कहने के लिए है, इनकी बातें हमेशा के लिए सही मायने में इनको उद्योगपतियों का के सही मायने में सहानुभूति है, जब ये किसान की तरफ सहानुभूति दिखाने लगेंगे तो मैं मानता हूँ हमें धरने पर बैठने की आवश्यकता नहीं है।